इसी के साथ कुछ और कॉलर्स बात कर लेते हैं। अभिषेक हैं, स्वागत है आपका। जी मैम, एक्चुअली मेरी उम्र 23 वर्ष है। अभिषेक आपकी आवाज ना बहुत कम आ रही है, थोड़ा तेज आवाज में बात कीजिए। जी मैम, एक्चुअली मैम मेरी उम्र 23 वर्ष है। ठीक है जी। और मैम मुझे पिछले 3 सालों से बाल गिरने की समस्या हो रही है। ठीक है जी। जी हाँ बच्चा, देखो शैम्पू को आप त्याग दें कुछ दिन के लिए, उससे भी बाल रुक जाते हैं, आप ट्राई करके देखें। और अगर फिर भी आप शैम्पू साबुन दुश्मन है इस वक्त, बहुत तेज शैम्पू बना रहे हैं, या फिर कोई ऐसा शैम्पू मिल जाए जिसमें कास्टिक ना हो, बाल काटने वाली चीज़ होती है कास्टिक, सोडा कास्टिक को कहते हैं कास्टिक, तो उससे पाक हो तो भी आपको फ़ायदा मुमकिन है। और फिर भी अगर आप ये छोड़ने के बाद भी अगर फ़ायदा नहीं होता है तो सफ़ेद गौन मोरिंगा याद रखें, सफ़ेद वाला लेना है, लाल वाला नहीं, लाल नकली होता है। सफ़ेद गौन मोरिंगा 1 ग्राम, आधा ग्राम नारियल पानी में मिलाकर रोज़ाना पी लिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी लखनऊ से हैं प्रमोद जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बताइए। ये कह रहे हैं कि मैं सोता हूँ तो मेरे सपने आते हैं, हर वक्त आते रहते हैं जब तक सोते हैं। सपने आते रहते हैं? यस मैम, हर वक्त सपने आते रहते हैं। हाँ देखिए, एक ख्वाब भी की भी एक बीमारी होती है, और अगर आपको शुगर नहीं है तो आप खूब सारी शुगर खाकर सोया करें, आपको गफलत की नींद आएगी, सपने नहीं आएंगे। और अगर शुगर है तो जैतून का सिरका 3 चम्मच पानी मिलाकर पी कर सोया करें, 15 दिन महीना तो लेनी पड़ेगी, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, जैसा कि लोग कहते हैं कि शुगर का इलाज नहीं है, लेकिन एक शुगर ऐसी भी होगी जिसे हम शायद वो बोलते हैं जो बॉर्डर पॉइंट पे होती है, या फिर प्री डायबिटिक जो होते हैं पेशेंट, तो क्या उनकी शुगर खत्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं? सही कहा आपने जी। देखिए एक टेस्ट है जिसे प्री डायबिटीज टेस्ट कहते हैं, उससे हमें पिछले दिनों हमारा क्या हाल रहा शुगर में उसका पता चलता है, और वहीं पर शुगर पकड़ी जाती है कि शुगर होने वाली है क्या, कितने दिन में शुगर हो जाएगी। तो समझदार लोग ही टेस्ट कराते हैं हर साल 3-4-5 महीने में, तो खबरदार रहते हैं। अच्छा, जो भी ऐसे मरीज़ हैं जिनको प्री डायबिटीज़ है तो वो ठीक हो सकते हैं अगर 5 बार गर्म पानी पिया करें, भोजन कम करें, 1 घंटा धूप में चलें, और जैतून का सिरका 3 चम्मच 2 बार दिन में पानी में मिलाकर खाने के पश्चात पिया करें, तो ऐसे लोगों का फायदा होना भी मुमकिन है। जी अगले कॉलर हैं बिहार से, सुनीता जी स्वागत है आपका। जी मेरे बाल का बहुत प्रॉब्लम रहता है। बाल झड़ते हैं आपके? हाँ बहुत ज्यादा झड़ते हैं। आपकी उम्र क्या है? 18 साल। जी देखिए, मैंने कहा था ना सही कि बच्चियों को ज्यादातर बालों की प्रॉब्लम या पिंपल्स की प्रॉब्लम या हाइट की प्रॉब्लम, ऐसे जो भी मरीज हैं वो गौन मोरिंगा सफ़ेद 0.5 ग्राम या 1 ग्राम पानी में मिला के, दूध में मिला के, या नारियल पानी में मिला के, जैसे भी लेंगे फ़ायदा मुमकिन है। लगातार काफ़ी दिन तक लें तो आपके बाल ऐसे के संभाले न जाएं, पिंपल्स को भी फ़ायदा। और अगर अंडर एज है, ग्रोथ की एज है, तो लंबाई का बढ़ना भी मुमकिन है। जी देवरिया से हैं इंद्रावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार हकीम साहब, नमस्कार। जय हिंद इंद्रावती जी। मेरे कमर में दर्द पहले था,
आया पूरे जोड़ में दर्द हो गया है, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? ठीक है, देखिए एक तो एहतियात तो ये कि ज़्यादा काम मत किया करें, आपकी अच्छी उम्र है, और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला टॉयलेट का बंदोबस्त करिए, ये ज़रूरी है। वो गौन सियाह जिसका मैं बार बार आपसे जिक्र करता हूँ, वो ले लीजिए, 100 ग्राम काफ़ी होना चाहिए, 100-150 ग्राम। अच्छा ये कुदरत का तोहफा है काला गौन या गौन सियाह हम कहते हैं, असली लेना ज़रूरी है। असली मिल जाए तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं, 10-12 रुपए रोज़ का इलाज है। असली नहीं मिले तो ना लें, फिर नहीं तो अगर नहीं मिले तो कैप्सूल टी केयर ले लें, टी फॉर टाइगर, टी कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाने के पश्चात खाएं, इससे भी आपका ठीक होना मुमकिन है। जी दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। दयावती जी धन्यवाद आपने फोन किया। जी भाई साहब बताइए। जी भाई साहब मैंने मतलब ये गोंद सिया सारी मार्केट में देखा तो ये गोंद सिया असली नहीं मिलता। ये लोग क्या करते हैं, एक धाप की कड़ी होती है 100 रुपए की 100 ग्राम वो दे देते हैं। हाँ 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 यही तो मैं कहता हूँ कि नकली मिलता है मार्केट में। हाँ नकली मिलता है, और एक मिट्टी होती है वाइट वाइट गोंद मोरिंगा की जगह वो दे देते हैं, मेरे को भी दे दिया था, फिर मुझे तो पता था तो मैंने वापिस कर दी। और देखिए सभी सभी बहनें आपकी तरह समझदार हो जाए तो फिर नक्कालों से पीछा छूट जाए। और बताइए क्या सवाल है? और सवाल ये है भाई साहब, ये सर्वाइकल का जो आप एक मिनट का बताते हो ना एक्सरसाइज, तो लोग परेशान हो जाते हैं। मैंने एक हल निकाला है कि 50 बार गिन गिन के करो तो गिनती में मन लगा रहता, वो होती रहती आराम से। बहुत अच्छे। मिनट देखने में परेशान हो जाते हैं, हर लेडीज को बड़े बुजुर्ग को मिनट देखनी भी नहीं आती, तो 50 बार करो दिन में 5-5 बार तो अच्छा होता है। फिर भाई देखो आप हमें नए नए तजर्बे देती हो, हम कल भी आपका जिक्र कर रहे थे, हर प्रोग्राम में आपका जिक्र हो जाता है, क्योंकि 2-4 लोग वैसे तो बहुत बहनें हैं हमारी, भाई भी हैं, लेकिन ये हमें नए नए जो तरीके आप बताते हैं वाकई काम के हैं। तो सर ये एक्सरसाइज हमें हम एक साथ नहीं कर सकते 3 मिनट, तो मैं एक एक मिनट कहता हूँ, और इसलिए कहता हूँ कि वो घड़ी देख कर करें। और ये भी अच्छा तरीका आपने बताया कि 50 बार ऐसे करेंगे है ना, तो वो 1 मिनट हो जाता है, 50 या 60 बार तकरीबन ऐसा ही आएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, हमारे व्यूवर सुन रहे हैं। देखिए ये हमारी बहन है जो कभी हमसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कुछ दवाओं से इनको फ़ायदा हुआ तो फिर ये हमारी बहन बन गई, और इतना प्रचार प्रसार करती है उन सब दवाओं का, और लोगों को ख़राब दवाइयाँ और नकली दवाइयों से रोक लेती हैं, और इनके पूरे परिवार को मेरे मशवरे से फ़ायदा हुआ, भगवान का लाख लाख शुक्र है, इनसे मेरा संपर्क हुआ। और ये बहुत अच्छी लेडी है, दिल की बहुत अच्छी है, और इनसे भी अच्छे हैं इनके पति देव, उनसे भी मेरी बात हो चुकी है, बहुत भले लोग हैं, भगवान इनको खुश रखे। जी रायपुर से हैं अगले कॉलर देवला बडोले जी, स्वागत है आपका। कमर में दर्द है। कान में दर्द है? कमर में, घुटने में दोनों, और मेरे को थायराइड भी है, बीपी भी है। अच्छा पैरों में दर्द है? कमर से लेके पैर तक। हाँ घुटने में। हाँ ठीक है। हाँ देखिए कमर दर्द का एक कुदरती इलाज है, गौन सियाह लिख लीजिए, गौन सियाह, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाएं, लेकिन नकली मत लेना। देखिए अभी दयावती से जुड़ी हुई थी, वो नकली दे देते हैं, ये देखिए आधा आधा ग्राम खाने के पश्चात खाना है, असली लेना ज़रूरी है। और ये अगर आप ले लेंगे तो आपको दर्द से निजात मिल सकती है। वेस्टर्न टॉयलेट ऐसा कुर्सी वाला यूज़ करें, ज़्यादा मेहनत ना करें इलाज के दौरान। थायराइड भी ठीक हो सकता है, पहले ये ठीक कर लीजिए। थायराइड के नुस्खे
आप, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप कहीं सब गड़बड़ ना कर दें, मिक्स ना कर दें, कोई नुकसान ना हो जाए, और ब्लड प्रेशर से भी निजात मिल सकती है। वो जैतून का सिरका 3-3 चम्मच 2 बार पीने से उसमें भी निजात मिल सकती है, लेकिन सबसे पहले दर्द का इलाज करें। किसी को अगर मेरे नुस्खे जात न सुने हों, लिख नहीं सके हों, तो मेरा यूट्यूब पेज हकीम सुलेमान खान आप टाइप करेंगे यूट्यूब पर, तो मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। जितने नुस्खे आपके रह गए हैं उसमें रोज कई नुस्खे दिए जाते हैं, आप उनसे ले सकते हैं। फेसबुक पर भी मेरा पेज है हकीम सुलेमान खान, उसको सब्सक्राइब करें दोनों को, तो मेरी तरफ से रोज़ाना आपको नुस्खे जात मिल जाया करेंगे। रोज़ाना जितने नुस्खे मैं यहाँ बात करता हूँ, इसी की कटिंग आपको उस पर डाल देते हैं हमारे मददगार लोग, और फिर वो आप बार बार देख सकते हैं। इसे तो आप मुझे आगे पीछे नहीं कर सकते, मैं आगे गया तो पीछे नहीं आता, तो उस पर आप बार बार उसे चेक कर सकते हैं, अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं, मेरे बारे में आपके जो ख्यालात हैं उस पर लिख सकते हैं। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, हाँ जी हेलो। क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरठ से कर रहा हूँ जी, किशन सिंह। जी बताइए आपका सवाल क्या है। मेरा सवाल ये है मैडम, मेरे एलर्जी हो रही है जी खून में। क्या होता है आपको एलर्जी में? ये लाल लाल से दाने जैसे होते थे, लाल लाल सा हो जाता है और दापर से पड़ जाते हैं थोड़े से। तो उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 48 साल जी। हाँ देखो, 48 साल वालों मेरी बात गौर से सुनो, आपके किचन में आपका इलाज है। आज से ही आप, बल्कि अभी से ही अपना इलाज शुरू कर दें। किचन में होता है खाने का सोडा, खाने वाला सोडा जो किचन में खाना बनाने के भी काम आता है। पत्नी से पूछें, माँ से पूछें अगर वो हों, या जो भी किचन के जिम्मेदार हैं, वो सोडा इतना सस्ता इलाज है कि एक चुटकी में जितना आए अभी पानी में डालिए और मिक्स कर दीजिए, अभी पी लीजिए, आज से ही आपका इलाज शुरू। कुछ रोज़ आप लेंगे तो आपकी ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। जी बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम उन्हीं से बोल रहे हैं, प्रीतम चंद नाम है, जी प्रीतम 71 साल जी। उम्र है। ओ, हाँ जी, आपका सवाल क्या है? एक तो शरीर में दर्द है, हाँ बीपी है, शुगर है। ठीक ठीक है है। जी और देखिए, बीपी और शुगर के लिए आप दवा लें। बीपी तो ठीक भी हो जाता है लंबा इलाज करने से, वो दवा भी लें जो खाते हैं आप, अपनी सब दवाएं लें। और बीपी और शुगर के लिए एक बहुत अच्छा सिरका आता है जिसे जैतून का सिरका कहते हैं, जैतून का सिरका। ये 3-3 चम्मच 2 टाइम खाने के पश्चात पानी में मिला के दिया करें, आपकी शुगर भी कंट्रोल रहना चाहिए, शुगर भी कंट्रोल रहना चाहिए और बीपी भी कंट्रोल रहेगा। दवाएं खाते रहें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इससे भी खतरनाक दर्द है, दर्द का भी इलाज आपको निजात दे सकता है। दर्द से आपको गौन आता है, गौन सिया, काला गौन। ये देखिए, अभी आज ही मैंने सुना बहुत ज़्यादा लोगों की कॉल आए कि नकली बहुत मिलने लगा है, असली ले लीजिए गौन स्याह, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाएं, खाने के पश्चात पानी से या बगैर चर्बी के दूध से, किसी भी तरह के शरीर के दर्द का इलाज होना मुमकिन है।